नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जॉब कॉस्टिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जॉब कॉस्टिंग होती क्या चीज है। जब भी कोई व्यक्ति किसी प्रोजेक्ट को लेता है, उसे कंप्लीट करने के लिए, जिसमें उस काम को करने के लिए जितनी भी लागत लगती है, जैसे वेजेस, एक्सपेंसेस, गुड्स इत्यादि, इन सबके अलावा अपना प्रॉफिट ऐड करने के बाद सामने वाली पार्टी यानी जिससे उसने प्रोजेक्ट को लिया हुआ है, उससे उन सभी एक्सपेंसेस और इनकम को लेना ही जॉब कॉस्टिंग कहलाया जाता है। अब इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट लेना। यानी कोई भी पर्सन जब भी किसी प्रोजेक्ट को रिसीव करता है, जैसे यहाँ पर हम बात करें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को लेने वाला है कॉन्ट्रैक्टर, तो यानी कि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जितनी भी बिल्डिंग में एक्सपेंसेस या इनकम्स लगेंगी, उसको सामने वाली पार्टी यानी जिससे उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को लिया हुआ है, उससे वो सारी के सारे एक्सपेंसेस और इनकम रिसीव करेगा उसे कंप्लीट करने के बाद। यानी पहले वो एडवांस में कुछ अमाउंट ले लेगा, उससे उसके वर्क को कंप्लीट कर देगा यानी उसके प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देगा। कंप्लीट करने के बाद अपना प्रॉफिट ऐड करके वो उससे बाकी का अमाउंट रिसीव करेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने कुछ लेजर्स लिखे हुए हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स लिखे हुए हैं, वाउचर्स के टाइप्स हैं, लोकेशंस यानी गोडाउन्स हैं, कॉस्ट सेंटर हमने बनाया हुआ है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कुछ अमाउंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इन सभी का यूज करके मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप टेली प्राइम के अंदर किस तरह से इसका प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। तो हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर जॉब कॉस्टिंग के नाम से, एंटर प्रेस करके आप इसे यहाँ पर सिलेक्ट करिए डेली, और इसके बाद एंटर करके सेव कर दीजिए या फिर कंट्रोल ए करके इसे सेव कर दीजिए। आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स और ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको तीन चीजों को एप्लीकेबल करना होगा, जिसमें पहले से ही एक हमने एप्लीकेबल कर रखा है। आप देखेंगे यहाँ पर पहला ऑप्शन है अनेबल बिल वाइज बिल एंट्री, और उसके बाद आप देखेंगे जस्ट उसके नीचे ही एक ऑप्शन है हमारा अनेबल कॉस्ट सेंटर। तो इस वाले ऑप्शन को हम यहाँ पर यस कर लेंगे। यस करने के बाद हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर एक और चीज देखेंगे, यहाँ पर लिखा है अनेबल जॉब कॉस्टिंग, तो इस वाले ऑप्शन को भी हम क्या करेंगे यहाँ पर यस करा देंगे। यस करने के बाद आप यहाँ पर कंट्रोल ए करके इसको सेव कर दीजिए। अब हमारी जो कंपनी है वो क्रिएट हो चुकी है। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, अब हमें क्रिएट करना है कुछ लेजर्स। तो लेजर्स क्रिएट करने के लिए हम चले जाते हैं अपने क्रिएट वाले ऑप्शन पे, यहाँ से चले जाते हैं लेजर्स के अंदर और यहाँ से हम अपने लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिये सबसे पहला जो हमारा लेजर है वो है आदित्य कॉरपोरेशन का। यानी आदित्य कॉरपोरेशन कौन है? एक सिंडी क्रेडिटर है। तो यहाँ पर हम आदित्य कॉरपोरेशन का एक लेजर बनाएंगे और इसको अंडर ऑफ डाल देंगे सिंडी क्रेडिटर के। सिंडी क्रेडिटर के डालने के बाद हम इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। इसके बाद हम एक लेजर बनाएंगे कमल का। कमल जो है हमारी वो पार्टी है जिसने हमें इस प्रोजेक्ट को दिया हुआ है, तो हम कमल का लेजर बनाने के बाद इसको डाल देंगे सिंडी डेबिटर के अंदर और इसको भी हमें कंट्रोल ए करके यहाँ पर सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है परचेज का और सेल का, तो हम परचेज और सेल इन दोनों के लेजर से यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। इसको डालेंगे हम लोग परचेज अकाउंट के अंदर और यहाँ पर एंटर करके आप इसे गुड्स लेते हुए सेव कर दीजिए। इसके बाद हम लेजर बनाएंगे एक सेल्स अकाउंट का, इसको अंडर ऑफ डाल देंगे हम लोग सेल्स अकाउंट के। सेव करने के बाद अब आप देखेंगे दो लेजर्स हमारे पास और है। एक लेजर है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ बिल्डिंग चार्जेस का, इसको हम यहाँ पर कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं या टाइप करना चाहे तो आप टाइप भी कर सकते हैं। ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारी कंपनी के अंदर जो भी गुड्स को हम मंगवाएंगे किसी ट्रांसपोर्ट के जरिए, तो वो उसका जो एक्सपेंस होगा वो हम यहाँ पर पे करेंगे। तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में रखते हुए इसको सेव कर देंगे कंट्रोल ए करने के बाद। इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम को कंप्लीट करने के लिए जितना भी हमारा वेजेस का एक्सपेंस हुआ है, हम इसका एक लेजर क्रिएट कर लेंगे और क्रिएट करने के बाद आप यहां पर आकर के इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद हम इसे भी डायरेक्ट एक्सपेंस में ही डालेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस में डालने के बाद हम इसको भी कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब आप नीचे आ जाइए। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना। तो यानी कि कॉस्ट सेंटर हमारा क्या है, यानी हम क्या करने जा रहे हैं, किस चीज का हमने प्रोजेक्ट लिया हुआ है। तो हमने जो प्रोजेक्ट लिया हुआ है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट लिया है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। इसको यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्टली आप जाकर के वहां लिख भी सकते हैं। तो इसको आपको लिखना कहाँ होगा, स्कैप करके आप पीछे आ जाइए। पीछे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन और शो हो जाएगा आपका कॉस्ट सेंटर का। इस कॉस्ट सेंटर पे आपको एंटर प्रेस करना होगा। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप इसे टाइप कर लीजिए। इसके बाद हम इसे एंटर करके सेव करा देंगे और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन और शो हो रहा है
यूज फॉर जॉब कॉस्टिंग। अगर ये ऑप्शन आपका शो ना हो तो F12 दबाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा सेट जॉब कॉस्टिंग फॉर कॉस्ट सेंटर। आप इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर एप्लीकेबल कर देंगे यानी यस कर देंगे। यस करने के बाद आपका ये ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाएगा, इसको आप यस कराएंगे। यस करने के बाद आप इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद स्कैप करके हम पीछे आ जाएंगे। पीछे आने के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट वर्क होगा वो होगा हमारा लोकेशन क्रिएट करना, यानी जो भी हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में गुड्स को लगाएंगे उन गुड्स को रखने के लिए हमें एक लोकेशन चाहिए होगी, यानी हमें गोडाउन चाहिए होगा। तो हम उन गोडाउन को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर चले जाते हैं हम लोग लोकेशन के अंदर। लोकेशन में जाने के बाद यहाँ क्रिएट नाउ पे क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने गोडाउन का नाम दे दीजिए, जैसे मैं दे देता हूँ संत नगर। और एंटर करने के बाद इसको आप प्राइमरी में दीजिए। अगर आप एड्रेस पूरा फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं, मैं फिलहाल इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। और यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना होगा जो हमने अभी रिसेंटली क्रिएट किया था। इसको यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद सेव कर दीजिए। तो हमारा ये वर्क भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें स्कैप करके फिर से पीछे जाना है। अब हमें बनाना होगा स्टॉक ग्रुप। तो स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के लिए आपको स्टॉक ग्रुप के ऊपर जाकर के एंटर प्रेस करना होगा। एंटर प्रेस करने के बाद अब हम यहाँ पर अपने ग्रुप्स क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारा जो ग्रुप है वो है रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल लिखने के बाद आप इसे प्राइमरी में डाल दीजिए और एंटर करके इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद स्कैप करके फिर से पीछे आ जाइए। पीछे आने के बाद अब आपको बनाना होगा यूनिट्स। यूनिट्स के लिए अंदर जाने के बाद आपको एंटर प्रेस करना होगा। इसमें आपको जो यूनिट्स बनानी है आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास जो गुड्स परचेज किए जाएंगे उनकी यूनिट्स ये रही, यानी नोट्स यानी नंबर्स बैग्स के अंदर, ट्रक्स के अंदर, केजी के अंदर। तो इन सब चीज़ों के अंदर हमारा ये जो यूनिट्स हैं ये परचेज की जाएंगी। तो हम इनके यूनिट्स क्रिएट कर लेते हैं फटाफट। तो हम वापस चले जाते हैं अपनी टेली स्क्रीन पर। सबसे पहले हम बना लेते हैं केजीस का। आप यहाँ सिंबल टाइप कर दीजिए केजीएस। इसके बाद यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म लिख दीजिए किलोग्राम। और उसके बाद एंटर प्रेस करके यहाँ पर के दबाइए। यहाँ पर आप देखेंगे केजीएस आपका शो हो गया किलोग्राम। इसको आप कंट्रोल ए करके सेव कर सकते हैं या फिर एंटर करके सेव कर सकते हैं। दूसरा बना लेते हैं हम लोग बैग। यहां पर आपको इसकी फुल फॉर्म लिख देनी है बैग्स। और उसके बाद यहां पर बी दबाइए। यहां पर आप देखेंगे बैग शो हो गया। इसके बाद एंटर करके इसको भी सेम इसी तरीके से सेव कर दीजिए। इसके बाद हम बना लेते हैं नोस यानी कि नंबर्स। यहां इसकी फुल फॉर्म लिख दीजिए। और इसके बाद यहां पर एन दबा करके नंबर्स को लेकर के इसको भी सेव कर दीजिए। इसके बाद है हमारा ट्रक। ट्रक के बाद यहां पर आप देखेंगे इसका कोई फॉर्मल नेम नहीं है, तो आप सेम यही नाम टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद यहाँ पर आप एंटर करके इसको सेव कर दीजिए। यहाँ पर आपको इसको नॉट एप्लीकेबल रखना होगा और इसे सेव कर दीजिए। और इसके बाद हम स्कैप करके पीछे आ जाते हैं। पीछे आने के बाद अब हमें बनाना होगा स्टॉक आइटम्स। तो हम चले जाते हैं स्टॉक आइटम के ऊपर। यहाँ पर आपको अपने आइटम्स क्रिएट कर लेने हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे आइटम्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे हमारा पहला आइटम है ब्रेक। तो हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके आप सीधे कॉपी कर सकते हैं और अपनी टैली में जाकर के इसको पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये ब्रिक हमारा यहाँ पर अंडर ऑफ चला जाएगा रॉ मटेरियल के। और यहाँ से आपको लेना होगा नंबर्स यानी NOS। हमारी जो ईंटें मिलती हैं वो नंबर्स में मिलती हैं। हम यहाँ नंबर लेते हुए इसको सेव कर देंगे, कंट्रोल ए कर दीजिए। सेम इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट आइटम है वो है हमारा सीमेंट। इसको भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इसको भी पेस्ट कर देंगे। इसका जो ग्रुप आएगा वो रॉ मटेरियल ही होगा, यानी सभी चीजों का जो ग्रुप है वो रॉ मटेरियल ही है। अब ये सीमेंट हमें मिलता किस में है, तो ये हमें बैग्स में मिलता है। तो यहाँ पर बैग लेकर के हम इसे कंट्रोल लेकर के सेव कर देंगे। इसी तरीके से आप देखेंगे हमारा जो तीसरा आइटम है वो क्ले है। तो क्ले को हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इसे भी पेस्ट कर देंगे और इसको भी अंडर ऑफ डाल देंगे हम लोग रॉ मटेरियल के। अब क्ले हमारा मिलता किस में है, तो ये हमें ट्रक में मिलेगा। तो इसे ट्रक में डालते हुए हम इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास कंक्रीट है, तो कंक्रीट को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। इसको भी अंडर ऑफ हम रॉ मटेरियल डालेंगे और यहाँ पर इसे भी हम ट्रक रखते हुए सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर मेटल है हमारे पास, तो मेटल को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद इसको भी अंडर ऑफ रॉ मटेरियल डालेंगे और ये हमें मिलता किस चीज में है, तो ये हमें मिलेगा केजीज के अंदर। तो यहाँ पर हम ले लेंगे केजीज और इसे कंट्रोल लेकर के हम लोग सेव कर देंगे। और उसके बाद हमारे पास सैंड्स है, तो सैंड्स को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करेंगे सेम इसी तरीके से। इसको भी अंडर ऑफ रॉ मटेरियल डालेंगे और यहाँ से हम इसे ट्रक लेते हुए कंट्रोल ले करके सेव कर देंगे। तो हमारे जो ग्रुप्स और यूनिट और स्टॉक आइटम्स थे ये तीनों के तीनों हम क्रिएट कर चुके हैं। इसके बाद हम स्कैप करके एक बार पीछे आ जाएंगे। पीछे आने के बाद अब हमें बनाना है वाउचर टाइप। तो हमें जाना होगा वाउचर टाइप के अंदर। स्कैप करके आप एक बार और पीछे चले जाइए। यहाँ से आपको आना होगा अल्टर के अंदर।
अल्ट्रा में जाने के बाद यहाँ से आपको लेना होगा वाउचर टाइप। वाउचर टाइप में आप सिलेक्ट करेंगे जनरल वाउचर। यहाँ से आप देखेंगे स्टॉक जनरल का एक वाउचर आपके सामने शो हो जाएगा। स्टॉक जनरल के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। एंटर करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा नेम ऑफ क्लास का। तो यहाँ पर हम ट्रांसफर का और कंजप्शन का दोनों के दोनों यहाँ पर स्टॉक जनरल वाउचर क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले हम टाइप करेंगे यहाँ पर ट्रांसफर। ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है आपका यूज क्लास फोर इंटर लोकेशन ट्रांसफर, यहाँ पर इसको पहले वाले को आपको यस कराना होगा। इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर कंजप्शन, तो यहाँ कंजप्शन टाइप कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा आपका जो दूसरा ऑप्शन है यूज क्लास फॉर जॉब कॉस्टिंग कंसेप्शन, इस वाले ऑप्शन को आपको यस कराना होगा और इसे कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। तो हमारा ये वर्क कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद स्कैप करके आप एक बार और पीछे आ जाइए। पीछे आने के बाद अब हमें जाना कहाँ है, हम सीधे जाएंगे वाउचर्स के अंदर। अब हम गुड्स को परचेज कर लेते हैं, यानी जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं हम उसको परचेज कर लेते हैं। इसके लिए हम F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो भी सप्लाई इनवॉइस नंबर है वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर 101 दे दिया, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपकी जो पार्टी है जिससे कि आप अपनी रॉ मटेरियल्स को परचेज कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। तो आदित्य कॉर्पोरेशन हमारी पार्टी है जो हमें रॉ मटेरियल दे रही है, हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर परचेज का लेजर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर स्पेस दबाने के बाद अपने आइटम्स को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम सबसे पहले ले लेते हैं ब्रिक्स को। ब्रिक को लेने के बाद यहाँ पर आप किस लोकेशन में इसको मंगवाना चाहते हैं, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर फिलहाल अभी आपको लेना है मेन लोकेशन। अब यहाँ पर आपको इसकी क्वांटिटी देनी है, यानी कितनी क्वांटिटी आप इसको परचेज कर रहे हैं। तो हम देख लेते हैं हमारी क्वांटिटी कितनी है। तो हमारी क्वांटिटी है 50,000 नोस, तो यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए 50,000 और एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद इसका जो प्राइस था वो 10 रुपीज था। एंटर करके आप इसे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद स्पेस दबाइए, दूसरा आइटम सेलेक्ट कर लीजिए सीमेंट का। सीमेंट को भी आप रखेंगे मेन लोकेशन के अंदर और इसकी जो क्वांटिटी है वो 1000 थी, तो यहाँ पर हम 1000 रखेंगे। और एंटर प्रेस करने के बाद इसका जो प्राइस था वो 350 रुपीज था, तो इसको भी एंटर करके हम लोग सेव कर देंगे। फिर से एंटर प्रेस करते हुए हम नीचे आ जाएंगे क्ले पे, और क्ले को लेने के बाद यहाँ पर इसकी जो लोकेशन है सेम उसी तरीके से हम मेन लोकेशन ही रखेंगे। इसकी जो क्वांटिटी थी हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्ले की जो क्वांटिटी है वो है 10 ट्रक, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 10 की क्वांटिटी। एंटर कर प्रेस करने के बाद इसका जो प्राइस था वो देख लेते हैं, प्राइस क्या है इसका। तो इसका जो प्राइस है वो 25,000 है, तो यहाँ पर हम 25,000 दे देते हैं। एंटर करके आप इसे भी सेव कर दीजिए। इसके बाद फिर से एंटर करिए और एंटर करने के बाद यहाँ कॉन्क्रीट ले लीजिए। कॉन्क्रीट की जो लोकेशन है वो मेन लोकेशन ही रखते हुए यहाँ पर इसकी जो क्वांटिटी थी वो 10 ट्रक थी, और इसका रेट एक बार हम देख लेते हैं। इसका जो रेट था वो 35,000 था, तो यहाँ पर हम 35,000 टाइप कर लेते हैं। एंटर करके आप इसे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद फिर से एंटर करिए और यहाँ से ले लेते हैं हम लोग मेटल। मेटल की जो लोकेशन है सेम इसी तरीके से मेन लोकेशन रखेंगे। इसकी क्वांटिटी कितनी है, तो इसकी क्वांटिटी है 5,000 और इसका प्राइस है 35 रुपीज, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 5,000 और यहाँ पर इसके जो प्राइस है वो 35 रुपीज लेते हुए हम इसको एंटर करके सेव कर देंगे। इसी तरीके से नीचे आ जाएंगे सेंट्स पे। सेंट्स लेते हुए यहाँ पर लोकेशन लेंगे मेन लोकेशन। क्वांटिटी जो है थी हमारी वो 10 ट्रक थी, तो प्राइस था वो था 25,000, तो यहाँ पर हम 25,000 टाइप करेंगे और एंटर करके इसको हम सेव कर देंगे। आप देखेंगे हमने जितने भी आइटम थे, जितना भी हमारा रॉ मटेरियल था जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट में जिन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, हमने उन सभी आइटम्स को यहाँ पे परचेज कर लिया है। यहाँ पर आपका जो भी रेफरेंस नंबर होगा उसे लेते हुए हम लोग एंटर एंटर करके इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा Alt+F7 और अब हम करने वाले हैं स्टॉक ट्रांसफर। तो यहाँ से चले जाएंगे ट्रांसफर के ऊपर। ट्रांसफर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर स्पेस दबाना है और यहाँ पे ले लेना है संतनगर, यानी डेस्टिनेशन के अंदर आपको वो लोकेशन लेनी है जिसके अंदर आप गुड्स को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए संत नगर के अंदर हम अपने सभी गुड्स को मेन लोकेशन से ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ सारे गुड्स सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम ले लेते हैं ब्रिक्स को। ब्रिक को लेने के बाद लोकेशन अभी ये कहाँ पर है, तो ये है मेन लोकेशन के अंदर। इसकी कितनी क्वांटिटी आप यहाँ पर ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो हम सारी की सारी क्वांटिटी यहाँ पर दिखा देंगे कि हम सभी क्वांटिटी को यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसकी जो क्वांटिटी थी वो थी 50,000, तो यहाँ पर हम 50,000 दे देते हैं और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद जो नेक्स्ट आइटम था हमारा वो था सीमेंट। सीमेंट भी हमारा मेन लोकेशन में रखा हुआ है और इसकी जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी, 1000 थी, तो यहाँ पर हम 1000 बैग्स ले लेते हैं और उसको एंटर करके सेव कर देते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। क्ले की बात करें तो क्ले हमारा मेन लोकेशन में ही रखा हुआ है और इसकी जो क्वांटिटी थी वो 10 ट्रक थी, तो हम इसको भी लेते हुए एंटर कर देंगे। क्ले के बाद आप देखेंगे कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट भी हमारा मेन लोकेशन में है और ये भी हमारे पास 10 ट्रक था, तो इसको भी हम 10 ट्रक लेते हुए एंटर कर देंगे। कंक्रीट के बाद हम मेटल ले लेते हैं। मेटल लेने के बाद यहाँ पर भी हम मेन लोकेशन लेंगे और इसका जो
क्वांटिटी था वो था 5000, तो यहाँ पर 5000 ले लेंगे हम लोग, तब एंटर करके नीचे आ जाएंगे। इसके बाद हमारा जो सेंड्स था, सेंड्स भी हमारा मेन लोकेशन में ही है, और उसकी जो क्वांटिटी थी वो 10 ट्रक थी, इसको भी हम एंटर करके सेव कर देंगे। यानी हमारा जो भी स्टॉक था वो मेन लोकेशन से संत नगर के अंदर ट्रांसफर हो चुका है। इसके बाद हमें कंजप्शन करना है, यानी कि जो भी हमारा आइटम है हम उस आइटम को अपनी बिल्डिंग बनाते समय यूज कर चुके हैं, यानी उसको हम कंजप्शन दिखा देंगे, उसको हम कंजप्ट कर चुके हैं। तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से Alt F7 दबाना होगा वापस से, और यहाँ पर आपको लेना होगा कंजप्शन। कंजप्शन लेने के बाद और उन सभी आइटम्स को यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे एक एक करके। जैसे हम लोग लेते हैं ब्रिक्स को, ब्रिक को लेने के बाद यहाँ पर स्पेस दबाएंगे, यहाँ से ले लेंगे हम लोग संत नगर, और अब हम बताएंगे कि कितनी क्वांटिटी हमारी यूज हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपनी क्वांटिटीज को डिक्रीज भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर पूरी की पूरी क्वांटिटी लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो ब्रिक की क्वांटिटी थी वो थी 50,000, तो यहाँ पर हम 50,000 टाइप कर लेते हैं और एंटर करके नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद हमारा जो दूसरा आइटम था वो सीमेंट था। सीमेंट हमारा है कहाँ पे, तो सीमेंट हमारा संत नगर में है। इसकी कितनी क्वांटिटी थी, इसकी क्वांटिटी थी 1000, तो इसको पूरा का पूरा हम ले लेते हैं 1000, एंटर करके नीचे आ जाएंगे। सीमेंट के बाद हम ले लेते हैं क्ले को, तो क्ले हमारा कहाँ पर है, हमारा ये संत नगर के अंदर है। इसकी कितनी क्वांटिटी यूज हुई है, तो इसके भी टोटल 10 ट्रक थे, तो 10 ट्रक के 10 ट्रक यहाँ पे यूज हो चुके हैं, इसको भी हम लेते हुए एंटर कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे हम कंक्रीट पे, तो कंक्रीट हमारा कहाँ पे है, तो ये हमारा संत नगर में है। संत नगर में ये भी 10 ट्रक था, तो इसको भी हम लेते हुए एंटर कर देंगे। इसी तरीके से हम मेटल की बात करें तो मेटल ले लेते हैं, मेटल हमारा अभी संत नगर में है, और इसकी कितनी क्वांटिटी हमारी यूज हो चुकी है, तो इसकी जो क्वांटिटी थी वो 5000 थी, तो यहाँ 5000 हम टाइप कर लेते हैं, एंटर करके हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद हम लेते हैं सैंड्स को, सैंड्स हमारा कहाँ पे है, तो ये भी संत नगर के अंदर है। यहाँ पर इसकी क्वांटिटी कितनी थी, 10 ट्रक थी, तो इसको भी हम लेकर के यहाँ पे सेव कर देंगे। जितना भी आइटम हमने परचेज किया था वो सभी का सभी आइटम हमने बिल्डिंग को बनाने में खर्च कर दिया है, यानी इन सभी आइटम्स को हम बिल्डिंग बनाने में यूज कर चुके हैं। यहाँ पर आपको डेस्टिनेशन में कुछ भी टाइप नहीं करना, यानी आप स्टॉक ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, आप सीधे इसे एंटर करके सेव कर देंगे। हमने इसको कंजप्शन में यूज किया है और उसके बाद हम इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा F5। F5 करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमारी जो पेमेंट थी यानी कि जो हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस थे वो हम पे कर लेते हैं। तो हमारे जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस थे, आप नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे जो चार्जेस थे, यानी ट्रांसपोर्ट का जो चार्जेस था हमारा वो 50,000 है, और वेजेस का जो चार्जेस है यानी जिस लेबर ने इस बिल्डिंग को बनाया है उसको जो हमने पैसे दिए हैं वो 1,00,000 रुपए दिए हैं। तो ये 1,50,000 रुपए हमारा और भी खर्च हुआ है, तो इसकी पेमेंट कर लेते हैं हम लोग। आप वापस टैली में आ जाइए, पेमेंट में जाने के बाद यहाँ पर आप स्पेस दबा दीजिए, स्पेस दबाने के बाद यहाँ पर कैश ले लीजिए। अगर आप कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर कैश रखेंगे, और अगर आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक लेजर और क्रिएट करना पड़ेगा बैंक अकाउंट का, और यहाँ पर आप बैंक रखते हुए उसकी पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको कैश रखते हुए पेमेंट करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेते हैं ट्रांसपोर्ट और बिल्डिंग चार्जेस, और इसका कितना अमाउंट हमारा एक्सपेंस हुआ था, तो इसका एक्सपेंस अमाउंट था हमारा 50,000। यहाँ पे हम 50,000 टाइप कर लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद अब बताना होगा आपको कि आखिर ये कॉस्ट जो आपकी लगी है, वो जो लागत आपकी लगी है वो किस जगह पे यूज हुई है। तो स्पेस दबा करके यहाँ पे हम ले लेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, यानी हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए ये 50,000 खर्च किया है ट्रांसपोर्ट के अंदर, इसको हम एंटर करके सेव कर देंगे। सेम इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेंस था वो था वेजिस। वेजिस में हमने 1,00,000 रुपए खर्च किए हैं, तो यहाँ पर 1,00,000 रुपए हम ले लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर भी आपको बताना होगा कि आपने जो ये 1,00,000 रुपए खर्च किए हैं वो किस चीज के ऊपर खर्च किए हैं। तो हम यहाँ बता देंगे हमने इसको भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए यूज किया है, तो इसको भी हम एंटर करके सेव कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 1,50,000 रुपए आपके ये एक्स्ट्रा खर्च हुए हैं, इसके बाद हम इसे एंटर करके सेव कर देंगे। इसके बाद आपको डिस्प्ले में आना है। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स का एक ऑप्शन आएगा। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री का एक ऑप्शन है। इसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन है जॉब वर्क एनालिसिस का, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके जितने भी प्रोजेक्ट होंगे वो सारे के सारे प्रोजेक्ट आपके सामने शो हो जाएंगे, यानी अगर आप 10 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपके 10 के 10 प्रोजेक्ट यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ पर आपने उस प्रोजेक्ट पे एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर प्रेस करिए Alt F1। Alt F1 प्रेस करने के बाद आप देखेंगे हमारा जो कंजप्शन अमाउंट था वो था 1,875,000 रुपए, यानी कि 1,875,000 रुपए का हम कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं, जिसमें हमने उन सभी आइटम्स का यूज किया है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर 1,50,000 रुपए हमारे सामने और शो हो रहा है डायरेक्ट एक्सपेंस का, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट का चार्जेस है और वेजेस का चार्जेस है। अगर इन दोनों को हम इंक्लूड करते हैं तो इंक्लूड करने के बाद जो हमारा टोटल अमाउंट बनता है वो 20,25,000 रुपए बनता है।
यानी इतना पैसा हम खर्च कर चुके हैं इस बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो हमारी ये बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हम क्या करेंगे, जिसकी वो बिल्डिंग थी हम उसे सेल कर देंगे, यानी कि उसको हैंडओवर कर देंगे। हैंडओवर करने के बाद उससे हम अमाउंट रिसीव करेंगे। अब आप देखेंगे हमारा जो खर्चा है खुद का 20,25,000 रुपए हो चुका है, तो हम उससे कम से कम 25,00,000 रुपए लेंगे, जिसमें हमें भी कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। तो मैं आपको ये एंट्री किस तरीके से पास करेंगे वो भी समझा देता हूँ। स्कैप करके आप एक बार पीछे आ जाइए। पीछे आने के बाद आपको जाना होगा वापस से वाउचर्स के अंदर। यहाँ से आपको जाना होगा वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स में जाने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा F8। F8 प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको कंट्रोल एच दबाना है। कंट्रोल एच दबाने के बाद यहाँ से आपको लेना है एज वाउचर। अब यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन है, पहला आइटम इनवॉइस, दूसरा अकाउंटिंग इनवॉइस और तीसरा एज वाउचर। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से इन वीडियोस को देख सकते हैं। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है एज वाउचर। एज वाउचर प्रेस करने के बाद यहाँ पर अपनी पार्टी सिलेक्ट करेंगे, तो पार्टी हमारी कमल, जिसको हम इस प्रोजेक्ट को सेल कर रहे हैं। यहाँ पर आपको कंट्रोल ए दबाना होगा, यहाँ पर भी कंट्रोल ए दबाना होगा। यहाँ पर आप अमाउंट डालिए कितने का आप इस प्रोजेक्ट को सेल कर रहे हैं। तो हम दे देते हैं यहाँ पर 25,00,000 रुपए, क्योंकि हमारा 20,25,000 रुपए तो खुद की लागत लगी हुई है और उसके बाद हमें भी प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसे सेल करेंगे 25,00,000 में। 25,00,000 अमाउंट टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको न्यू रेफरेंस रखना है और एंटर करते हुए यहाँ पर आपको सेल ले लेना है। सेल लेने के बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ गया नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, तो यहाँ पर स्पेस दबाते हुए यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे। हमने जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था वो 25,00,000 रुपए का सेल कर दिया। हम यहाँ पर इसे एंटर करके सेव कर देंगे। अब स्कैप करके एक बार पीछे आ जाइए। फिर से हम वापस डिस्प्ले मोड में चले जाते हैं। यहाँ से चले जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी के अंदर, यहाँ से चले जाते हैं जॉब वर्क एनालिसिस के अंदर, और यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, और यहाँ पर आपको प्रेस करना होगा Alt F1। Alt F1 प्रेस करने के बाद अब आप देखेंगे हमारी जो खुद की लागत थी वो 18,75,000 रुपए थी, जिसमें कि हमने 1,50,000 रुपए का और अदर एक्सपेंस पे किया था, यानी डायरेक्ट एक्सपेंस पे किया था। इन दोनों को हमने इंक्लूड किया तो हमारा जो टोटल अमाउंट था वो 20,25,000 यहाँ पर शो अप हो गया, जिसको हमने सेल किया 25,00,000 रुपए में, जिसमें हमें नेट प्रॉफिट आया 4,75,000 रुपए। यानी ये जो 4,75,000 रुपए है ये हमारा नेट प्रॉफिट है। तो यही है पूरा प्रोसेस आपका जॉब कॉस्टिंग का। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।